कैंट पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे रोडवेज बस स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दिवाकर शर्मा पुत्र जवाहरलाल शर्मा निवासी सुनरा थाना कोतवाली जिला महाराजगंज के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता महाराजगंज में 3P मार्ट में अभियुक्त दिवाकर शर्मा के साथ 1 साल पहले काम करती थी। वहीं पर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दिवाकर शर्मा ने पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में दिवाकर ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। कुछ समय बाद पीड़िता ने वहां से काम छोड़कर गोरखपुर में किराए का मकान लेकर रहने लगी और हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। तब पता चला कि दिवाकर शर्मा ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जिस पर पीड़िता ने थाने में तहरीर दिया और मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, पैडलेगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद शाहनी, कांस्टेबल सुनील यादव शामिल रहे। I'd be in the first place.